तो भाई आज इस गुब्बारे की हेल्प से सीखेंगे आप लोग अपनी खुद की रिवर्ब कैसे बना सकते हो। तो गाइज आज हम आए हुए हैं हमारे स्टूडियो के पार्किंग लॉट में और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं पार्किंग लॉट की रिवर्ब। और हम ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जीपी ऑडियो ने अनाउंस करा है अपना आयर कंपटीशन, जिसके अंदर वो दे रहे हैं $6,000 तक के प्राइसेस, और अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो को पूरी देखना। तो फिर हम लोग लग गए अपनी रिकॉर्डिंग के तामझाम में और हम लोगों ने अपना इंटरफेस सेटअप करा और उसमें लगाया सोनार वर्क्स का माइक। आप कोई भी माइक यूज कर सकते हो, इवन अपना फोन भी यूज कर सकते हो। मेन चीज है जहां पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वहां की रिवर्ब अच्छे से रिकॉर्ड होनी चाहिए, एकदम क्लीन रिवर्ब। और फिर क्या हुआ, वहां पे थे सिक्योरिटी वाले भैया और वो बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे वीडियो में, तो हमने कहा आप ही बलून को बस्ट कर रिकॉर्ड कर। तो भाई हम आ चुके हैं लिफ्ट के पास, तो अब लिफ्ट में चलते हैं जल्दी से और ये लगाते हैं लिफ्ट में कैमरा और लिफ्ट का आईआर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे साथ है पीछे आईआर मैन, और आईआर मैन के बारे में जानना है तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट देख लो। तो आईआर मैन आगे आ जाओ आप। तो अब बात करेंगे अपने सेकंड तरीके की, और सेकंड तरीके में बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि साउंड जनरेट करेगा और उसको रिकॉर्ड करके अपने रूम में आप लोग बना सकते हो अपनी खुद की रिवर्ब। तो बेसिकली हमने क्या करा, हम लोगों ने यूज करा MLS टूल्स जो कि आता है वेव आर्ट्स की तरफ से। तो ये एक फ्री प्लगइन है और ये विंडोज में भी चलती है और ये आपके मैक में भी चलती है, और बेस्ट चीज ये है कि बहुत ही इजी टू सेटअप है। तो आपको क्या करना है, ऑडियो सेटिंग में जाना है, इनपुट में लगाना है अपना माइक और आउटपुट में लगाना है अपने कोई भी स्पीकर्स। और इसके बाद हमने क्या करा, हमने स्टूडियो मॉनिटर को रखा और थोड़ी सी दूर अपने माइक को रखा, और माइक की पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बिकॉज उससे रिवर्ब चेंज होता है। तो आप किसी भी रूम में रख सकते हो और आप जनरेट करोगे साउंड इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो जाती है हमारे माइक के अंदर और फिर हमें मिलता है तगड़ा सा रिवर्ब उस जगह। तो जल्दी से बात करते हैं, जो हमने सारी साउंड रिकॉर्ड करी है उसको डालेंगे अब अपने कंप्यूटर के अंदर। तो गाइज हमने तीनों जगह के आईआर को रिकॉर्ड करके रीनेम कर दिया, लिफ्ट, पार्किंग और MSL टूल। बट कार्तिक मेरा डाउट ये है कि आईआर होता क्या है। तो फिर तूने बनाया क्यों ये? ये तो मैंने बनाया है वीडियो के लिए, बट आईआर बताना है क्या होता है। तो आईआर का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो आप किसी भी साउंड का या किसी भी रूम का जब भी एक डायनामिक वेरिएशन या फिर डायनामिक चेंज को रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज में कि अगर हम एक रूम में हम एक क्लैप बजाते हैं या एक साउंड जनरेट करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं उस रूम में, तो वो होता है उसका आईआर। तो अब इन इंपल्स रिस्पॉन्सेस को लोड करने के लिए हमें चाहिए कॉन्वोलर रिवर्ब। तो भाई कौन सा कॉन्वोलर रिवर्ब लोड करें? तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जीपी ऑडियो कंपटीशन कर रहा है, तो जीपी ऑडियो आप लोगों को एक फ्री प्लगइन भी दे रहा है जिसका नाम है FIR कॉन्वोलर। तो आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी आईआर को उनके अंदर लोड कर सकते हो। बट एक कैच, और वो कैच कौन बताएगा, उत्कर्ष। तो ये है जीपी ऑडियो का FIR कॉन्वोलर, बट इसके अंदर एक बार हमारे इंपल्स रिस्पॉन्सेस को लोड करते हैं। तो आप देखोगे आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, कहीं पे भी डाल रहे हो तो लोड नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब इसमें आईआर लोड होंगे तो होंगे कैसे, तो आपके स्क्रीन पे विंडोज और मैक की लोकेशंस आ रही होंगी, तो आपको इन लोकेशंस पे जाना है। तो इस फोल्डर के अंदर आपको इस फोल्डर को ओपन करना है जिसका नाम है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे इम्पल्स रिस्पॉन्स लोड हो रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है और राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हो और उसको रीनेम करते हो जीरो और इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर हमारे पार्किंग की आईआर को लोड करते हैं एक बार, तो जीरो फोल्डर में जैसे हमने ऐड करा है, तो अगर मैं आईआर के प्लगइन को रीलोड करूंगा तो वन पे हमारी ये आईआर लोड हो चुकी होगी। तो जैसे कि आपने देखा उत्कर्ष ने फोल्डर बनाया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमने जीरो नंबर दिया है पहले फोल्डर को, और ऐसे हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको नहीं बनाने, बिकॉज जो आपका FIR कॉन्वोलर है वो टोटल 10 साउंड को ले सकता है। बिकॉज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फोल्डर्स जो बनेंगे वो 10 ही बनेंगे, बट 0 to 9 बनेंगे, और उसमें आप अपनी एक एक साउंड को ऐड कर सकते हो।
तो हमने टोटल तीन आयर को रिकॉर्ड करा था, तो हम तीन ही फोल्डर बनाएंगे, 0, 1 और 2, और हमारे लिफ्ट के आयर को लोड करते हैं 1 में और हमारे रूम के आयर को लोड करते हैं 2 में। और अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो कॉम्पिटिशन नहीं, आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। तो आप गूगल पे सर्च करो हाउ टू यूज कंप्यूटर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर फिर भी कर देना। दोस्तों आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को बिल्कुल 0 लेवल से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो ये हमारी पार्किंग की साउंड है और नंबर 1 का आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सही लग रही है। मिक्स को बढ़ाते हैं। तो यार अभी शॉर्ट वाली जो रिवर्ब है इसको एक बारी बेस पे लगाते हैं, तो जो हमने लिफ्ट में करी थी ना उसको एक बारी बेस पे तो सुने। लिटरली ये लिटरली लग रहा है कि हमने कोई रूम में बेस गिटार प्ले करा है। बहुत सही लग रहा है, बहुत ज्यादा वो लिफ्ट की वाइब दे रही है। लिफ्ट भी ऐसा लग रहा है छोटे कमरे में प्ले हो रही है कहीं पे, जैसे रिकॉर्डिंग रूम में। लिफ्ट में वो है ना मेटल शील लगी हुई है, तो उसका काफी ज्यादा सही लग रही है। तो मतलब अगर हम इसमें एक EQ लगा दें और फिर बस साइज पे रिवर्ब लगे ऐसी, तो काफी तगड़ी लगेगी। तुझे बड़ी सही लग रही है, छोड़ देगा वेव यूज करनी है। वेव छोड़ दी भाई, हम खुद के रिवर्ब बनाते हैं। तो आप सुनते हैं हमारे स्टूडियो के बाहर वाले रूम की रिवर्ब। और फिर जो थर्ड वाली जो साउंड है वो हमने लिए GP ऑडियो के एसेट पैक में। और जब आप कंपटीशन में पार्ट लोगे तो आपको इन्हीं एसेट पैक पे ही रिवर्ब लगानी है। और हम लोग इसको एक बार सुन के देखते हैं। और right guys, तो भी आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी। ये तो बता दे कंपटीशन में पार्ट कैसे लूं, तो मैं भूल गया आप लोगों को बताना, सॉरी। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार हम स्टेप्स जान लेते हैं कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको जाना है GP ऑडियो पे और अपना अकाउंट बनाना। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपना IR रिकॉर्ड करना है, और वो आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो आप कर सकते हो हार्डवेयर के थ्रू। अगर आपके पास कोई भी हार्डवेयर है, कोई कैबिनेट है आपका गिटार का, या आपके पास कोई रिवर्ब यूनिट है, आप उसके थ्रू भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप हमारी तरह नेचुरल स्पेस को यूज करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है YouTube पे और यूज करना है #GPUAudioIR। तीसरी चीज ये है कि आपको आपकी वीडियो को उनको मेल करना विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन कि आपने IR को कैसे बनाया। तो गाइज बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें तो ये IR बनाने में, और वी होप आप लोगों को भी आएगा और आप इस कंपटीशन में पार्ट लोगे। और एक चीज करनी होती है, वरना वो पार्ट ना अधूरा रह जाता है। तो क्या पार्ट है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। और मैं बहुत बार देखा है लोग कहते हैं लाल कर चुके ग्रे हो गए, तो भाई शेयर करना शुरू करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। और एक चीज करनी होती है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, हमारी वेबसाइट आ जाएगी bachelor.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।